अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना और ये है चाय कॉफी और हम। आज हम एक नया ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ड्रामा सीरियल रद्द। एंड कौन से चैनल पर आ रहा है सना? ARY डिजिटल पर आ रहा है। कास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शहरयार मुनव्वर, हिबा बुखारी, अरसलान जो कॉमिक्स मशहूर है, एंड इसके अलावा प्रोमो से पता चलता है कि नुमान एजाज भी है, वैसे अदनान जाफर है, नादिया अफगान है, तो आई थिंक कास्ट काफी स्ट्रांग है, सो इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। अच्छा, और मैंने जब सना ने मुझे कहा कि देखना शुरू करो, मैंने एज यूजुअल काफी सारे एपिसोड इकट्ठी करने की, मैं इकट्ठे बैठ के देखूंगी। और यूजली होता है कि जब हम ये रिव्यू स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले मैं रेस लगा रही होती हूँ टाइम के साथ कि मैं कम्प्लीट कर लूँ। बट अच्छा, तो तुम देख के रखती हो जब मैं आती हूँ तो तुम्हारे नहीं, लेकिन मुझे मुझे स्टोरी अच्छी लग रही है। इट इज क्वाइट एंगेजिंग, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। आई जस्ट होप कि ये जो एक मुझे प्यार हुआ था, लव ट्रायंगल टाइप था ना, कि वो प्यार किसी और को कहती है, शादी हो गई और वो पूरे बाद सल्किंग ही होती है। टीजर से तो यही वाइब आ रही है, हाँ टीजर से ये वाइब आ रही है। मगर जो इंटरेस्टिंग है कि अभी जो दिखा रहे हैं ना टीजर से, वो बहुत डिफरेंट है। अभी तो दिखा रहे हैं कि शहरयार मुनव्वर बड़ा बेचारा सा है और बहुत अच्छा है सलाना सीर अपने बेस्ट बिहेवियर पर, उनकी अम्मा इवल है, हर एक के घर में कोई एक आध पर्सन इवल है। हिबा बुखारी की जो बड़ी बहन है उसकी शादी एक खराब सी फैमिली में हुई हुई, दोनों की एक ही फैमिली में हुई हुई है, और बड़ी बहन को बहुत तंग करता है। मुझे समझ नहीं आई कि बड़ी बहन को इतना तंग करता है तो छोटी को भी उसी घर में देने की क्या जरूरत थी, दो भाइयों से कर दिए ना शादी। मगर सेकंड मियां सही है, हाँ, लेकिन वो तो किस्मत से सही है ना, आपकी पहली बेटी को जिस घर में इतना तंग किया जा रहा हो। बहुत प्रेशर होता है तायरा जब आपके पास तीन लड़कियां हो, और पता है उनका प्रेशर भी है ससुराल में शादी करने का, क्योंकि तीसरी बच्ची के लिए भी तो वो यही प्रेशर डाल रहे हैं। बच्ची को तो रेजिस्ट कर रहे हैं, तीसरी बच्ची खुद रेजिस्ट कर रही है, तो बाप पर बाप बेचारा, माँ है नहीं, है ना। हमारी सोसाइटी में अभी भी ना शादियां, बिकॉज आई नो पर्सनली, एक मुझे याद है अभी भी, एक हमारे डिस्टेंट एक फैमिली में वाकया हुआ था कि वही दामाद कुछ और चाह रहे थे, साली की शादी कहीं और हो और पेरेंट्स कहीं और चाह रहे थे, और उसमें दामाद नाराज रहे अच्छा खासा टाइम तक। तो वट आई बिलीव इज के रिश्तों के मामला पे ना नाराजगियां और मुंह सड़ाना, और हमारे यहाँ हमेशा रिश्तेदारों में से ना दो रिश्तेदार मुंह फुला के बैठ जाएंगे। अगर आपके हिसाब से आपको नहीं उतना पूछा गया या नहीं वो चीज हुई, तब भी उनके फंक्शन में बदमजगी ना फैलाएं आप। लेकिन यहाँ पे हर फंक्शन जो भी हुआ, अकीका हो रहा है बच्चे का, उसमें मुंह फूले हुए हैं, वो समीर की एंट्री हो गई, वो जो उसके ताएजादियां पता नहीं कौन कजन है इनके, दामादों के ना, दो दामादों के कजन खाला साहब, और वो प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी हो जाए। बेसिकली वो जो दो बहनें बड़ी, उनके ससुराल वाले लालची से अम्मा और बड़ा बेटा, तो बस उन्होंने एक मुसीबत फैलाई हुई है। और यहाँ पे इनकी अम्मा जो है बुशरा अंसारी की बहन, उनको अपनी इम्पोर्टेंस है। आई लव द एक्ट्रेस, मुझे उनका नाम याद आ रहा, शी सच अ फेमस एक्ट्रेस, अस्मा अब्बास, आई लव हर, इतनी अच्छा एक्टिंग, आई लव हर एक्टिंग। तो anyway, तो अस्मा बास जो है वो इवल वहां बनी हुई है, उनको अपनी नंदनी अच्छी लगती है, और नंद का कोई भी किया हुआ काम जो है वो उनको जहर लगता है। वैसे तुमने सारा नोट किया कि जिंदगी में कुछ लोग अगर आपको बुरे लगने शुरू हो जाए, तो वो बेचारे कोई सेन भी बात कर रहे हो ना, तो इंसान का एक बायस डेवलप हो चुका होता है कि नहीं इन्होंने तो गंदी ही बात करी है, खराब है, मुझे गलत है, यही ह्यूमन बिहेवियर है। किसी बुरी लगती है तो हर बार बुरी लगती है। और पता है वो नफरत बढ़ जाती है। और मुझे लगता है इंसान की बैटल ही यही है कि आप अपनी इस टेंडेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि ये तो ज्यादती हो जाती है फिर रिश्तों के साथ। और मैं एक टिप देना चाहती हूँ ड्रामे पे वापस मुंह खोलने से पहले, जो तुम बोल रही थी ना कि रिश्तेदार हैं जो मुंह खोल जाते हैं, हर एक की फैमिली में इस तरह की होती है। पर्सनैलिटीज प्लीज आगे वाली जनरेशन के ऊपर रहम करें एंड से नो टू दिस टॉक्सिसिटी। आप जो है ना कोई नाराज हो रहा है तो प्लीज उसको नाराज होने दें, शादी की जी, पे जी, किसी का मुंह बन जाता है कि तस्वीर नहीं खींची हमारी, प्लीज हो जाने दें। वो नाराज होने हमसे नहीं पूछा, हमारी फैमिली में इतने इस तरह के वियर्ड इश्यूज थे सम 20 इयर्स अगो, रिश्ता कर दिया प्लीज हमसे नहीं पूछा, ऐसे लोगों को नाराज होने दें अपनी जिंदगी से, अब आपसे पूछ के अपने बच्चों का और आगे वाली जनरेशन की भी जिंदगी आसान करें, और आप बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। नहीं एक और चीज़ वाला जो शिकवा था ना सर, हमसे पूछा नहीं, अपने वालदैन, बहन भाई और दादा दादी नाना नानी, ये वो रिश्ते हैं जिनसे पूछ लें, आप थोड़ा डिस्कस कर लें, उनका हक बनता है। उसके अलावा जो एक्सटेंशन है ना फैमिली की, अब कितनों से पूछें,
अब अगर किसी के पेरेंट के 10 बहन भाई हैं तो आप हर एक से रिश्ता के लिए इजाजतनामा लेंगे, हम अपनी बच्ची का वहां करने जा रहे हैं, आपको एतराज तो नहीं, आप और सबको कोई ना कोई तो एतराज होगा, कोई ना कोई एतराज हो जाएगा। तो इतना मुझे नहीं लगता कि इस कदर बहुत ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ टॉक्सिसिटी जो है ना उसको वाकई अपने अपने लेवल पे सब कंट्रोल करें। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है, इस ड्रामे में थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि वो जो बड़ी बहन है अपने वो डोमेस्टिक अब्यूज के मामले के निशान दिखाए, तो छोटी बहन ये के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, अपने लिए बोलना सीखो। बिल्कुल सही, तो आई थिंक ये थोड़ा सा दिखाएंगे। और बड़ी बहन की फुल कोशिश होती है कि सब गिवन कर दें और मेरे ससुराल वालों को खुश रखें, बट द थिंग इज कि जो नार्सिसिस्टिक अब्यूजर है ना उसको जितना आप गिवन करते जाएंगे वो उतना ही सर पे चढ़ के डांस करेगा। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पाउस, बिकॉज उसी खानदान में मतलब उसी घर में जो बीच वाला बेटा है उसकी बहू नहीं गिवन कर रही क्योंकि उसका मियां की सपोर्ट है। बिल्कुल। एनी वेज, खैर कमिंग बैक टू द ड्रामा, ड्रामे में और भी काफी एस्पेक्ट्स हैं जो अभी आएंगे, जो प्रोमो में तुमने देखे हैं वो मेहमान एजाज आएगा, और उसमें अरसलान नसीर जो है वो नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा, बिकॉज आई थिंक वो कहीं चला गया था और इसको इंतजार करने को कहा, इसने की नहीं। मुझे जो प्रोमोज और टीजर्स देख के लगा था शादी कर ली शहरयार मुनव्वर से, मुझे लगता है कि इसका बाप मर जाएगा। किसका? हाँ, और कुछ अर्जेंसी में शादी, और फिर वो मजबूर हो जाएगी तो फिर वो शहरयार मुनव्वर स्टेप अप करेगा और उनकी अम्मा कुछ ऐसी खिचड़ी पकाएंगी कि ऐसा लगेगा कि अरसलान इज आउट ऑफ द पिक्चर, जिसका उसने इंतजार नहीं किया और वो इससे शादी कर लेगी। और एक और भी चीज है, मुझे लगता है कि नादिया अफगन को ये पता चल जाएगा कि अरसलान नसीर जिस लड़की में इंटरेस्टेड है उसका जो ये स्टेप सन है शहरयार मुनव्वर, ये भी उसी लड़की में इंटरेस्टेड है, वो पुश कर देगी और तो चैंगल होगा, और वहां पे भी शहरयार मुनव्वर पे जो जुल्म हो रहा है वो भी बदलेंगे उठेंगे, मतलब प्रोमोस में तो ये सब कुछ है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ दैट गोइंग टू हैपन, एंड लेट्स होप दैट पेस मेंटेन रहे ड्रामे की और बहुत ड्रैग ना करें, स्लो ना कर दें इसको कि हम सो ही जाएं देखते देखते। मुझे एक ही कंप्लेन होती है कि जब एक चीज हिट होनी शुरू हो जाती है ना, कोई पेयरिंग या कोई चीज, इश्क मुर्शिद उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप उसको इतना च्युइंगम की तरह खींचना शुरू कर देते हैं, उनकी केमिस्ट्री है तो उसमें एक्स्ट्रा सीन डाल दिए, यू नो वो ऑब्वियसली एवरीबॉडी ट्राइज़ बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, बहुत खींच रहे हैं। हाँ, आई होप इसको इतना नहीं, इसको आई होप ना खींचे, और बहुत अच्छे से जैसे जिस पेस पे चल रहा है उसी तरह इसका एंड हो जाए, जैसे काबली पुलाव को उन्होंने एक पेस पे लेके गए एंड दे एंडेड द प्ले। ग्रीन एंटरटेनमेंट के मोस्टली मुझे लगता है वो पूरे शूट हो जाते हैं और ये वाले जो ड्रामाज है ना ये गेज करते हैं, एआरवाई के खींचते हैं। इश्क मुर्शिद तो हम टीवी का है तो हमको ऐसा प्राइस के क्यों ना खींच रहा है, वरना यूजुअली हम टीवी के लाइक इतने नहीं खींचते, इतने नहीं खींचते। But anyway, this was our take on Rath. And we hope that you have enjoyed listening to our views. Aur Sana, hum end mein kya kehte hain? Aaj Sana kehte hain Sana. Please like and share this video and subscribe to our channel. Yes, please. Thanks for watching.